सबसे पहले इस मुल्क के आइन को लिखने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले मरहूम कांशीराम साहब को खराज अकीदत पेश करते हैं। और अभी बच्चे जब नर्क पढ़ रहे थे तो बीरा के मुझे बशीर चा की याद आ गई, अल्लाह ताला उन्हें भी खराज अकीदत पेश करे, उनका भी इंतकाल हो गया, बड़ी अकीदत मेरी थी उनके साथ। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, डाइस पर मौजूद शेरे पूर्वांचल जिनको देख के हम लोग बहुत फख्र करते हैं, क्योंकि अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में हम 13% पाए थे, भाई गुड्डू जमाली ने लोकसभा लड़के 30% पे लाके हमको खड़ा कर दिया, 30% शेरे पूर्वांचल भी आपके साथ हैं, आपसे बात करेंगे। भाई डॉक्टर विजय प्रताप जी जो हमारे जोन के जोन कोऑर्डिनेटर हैं वो भी आपसे बात करेंगे। डॉक्टर हमारे वो विजय राज विजय जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, भाई गोपाल राय जी जो सांसद प्रतिनिधि हैं, आप सबके हर दिल अधीर उम्मीदवार भाई अली साहब भी मौजूद है मेरे बगल में। दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, भीरा मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं अपना परिवार समझता हूँ और मऊ और अलीपुर भीरा का ताने वाले का रिश्ता भी है, न कोई मऊ दूर है न भीरा दूर है, मैं आपके बीच आता रहता हूँ, बात भी करता रहता हूँ, 2 मिनट बात करूंगा, मैं पूरा समय गुड्डू जमाली साहब को देना चाहता हूँ। इसलिए नगर पालिका का चुनाव है, 11 तारीख को आपको वोट करना है, अली साहब को दोबारा चेयरमैन बनाना है, चूंकि बहन जी ने इनको आशीर्वाद देके हाथी थमा दिया है, इसलिए वोट देना है। दोस्तों, ऐसे हालात में इस मुल्क में ये चुनाव हो रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की ऊपर सरकार नीचे सरकार, अब योगी जी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो यानी नीचे भी हमें क्या माहौल बना रखा है। जिस पंचायत में मैं बैठता था उस पंचायत में एक बहस हो रही थी कि मुल्क मुत्तहिद रहेगा कि टूट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जैसे लगता है ये मुल्क टूट जाएगा। इसी बात को लेकर पार्लियामेंट में बहस हो रही थी कि मुल्क मुत्तहिद रहेगा कि टूट जाएगा, सारी पार्टी के लोगों ने अपने अपने विचार रखे, बहुजन समाज पार्टी को भी 2 मिनट का वक्त मिला। हमारी नेता बहन कुमारी पार्टी मायावती जी ने कहा कि अंसारी साहब 2 मिनट आप बोल दो, मैं दोस्तों उस पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, 2 मिनट का समय, मोदी जी मेरे सामने बैठे थे, मैंने कहा लाओ मोदी जी को एक शेर सुना के अपनी जगह ले लो, इसलिए कि बोलने के लिए समय चाहिए, 2 मिनट में क्या बोलूं। मैंने मोदी जी की तरफ इशारा करके कहा कि मोदी जी मेरे शेर सुन लो, तब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालयों के झगड़े, अरे जब वो तन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, अरे मोदी जी जब मुल्क ही टूट जाएगा तो क्या बांटिएगा। इसलिए अपने मंत्रियों से कहो कि जबान पे लगाम लगाने संयम बरते, ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करे जिससे किसी जाति मजहब को तकलीफ पहुंचे। ये मेरे दोस्तों, योगी जी नीचे हैं, ऊपर मोदी जी हैं, कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, हर
मामले में हिंदू और मुस्लिम बस यही लड़ाओ, राजनीति करो, आपके दिमाग को डाइवर्जन किया जा रहा है। इसलिए दोस्तों बात लंबी हो जाएगी। नीचे योगी जी है, लाइन लाइडर मेंटेन नहीं है, पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, और मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश की भी हालत खराब है। 22 में चुनाव हुआ, हम लोगों ने अपील किया था कि बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन हमारे लोगों ने कहा नहीं, गठबंधन को देंगे, क्योंकि योगी को हटाना है। आपने अपना 7% वोट जो समाजवादी पार्टी रखती है उसके साथ अपना 20% वोट आपने जोड़ा, रिजल्ट क्या निकला? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई सरकार नहीं बनी। अगर यही हो जैसा कि हम लोग कह रहे थे, अगर आप बहुजन समाज पार्टी को देते तो 23% बहुजन समाज पार्टी का हो और मेरे दोस्तों 20% मुस्लिम समाज का हो, मिला के 43% होता, सरकार बदल जाती और आज यह नहीं होता। लेकिन आइए हम शुरुआत करते हैं 24 के लोकसभा की। ये केरल है, केरल नगर पालिका का चुनाव। आज मरहूम काशीराम साहब जो इस पार्टी को बनाने वाले थे, उन्होंने सपना देखा था, नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। जितने मुस्लिम समाज की जो हालत है वही दलित समाज की है। पढ़े लिखे इंसान थे, अपने समाज को लामबंद करने के लिए जब निकले तो उन्होंने क्या देखा कि जो मेरे समाज की हालत है वही मुस्लिम समाज की हालत है। ये मुस्लिम कौम जो दूसरों को देने वाली थी आज मांगने वाली बन गई। तो साहब ने नारा दिया था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। हम अपने वोट को तबर्रुक की तरह बांटते रहे, रोज नई नई कुकुर मुत्तों की तरह पार्टियां बनाते रहे, अपने वोट को तकसीम करते रहे, और जो आता है उसी को खुश करने के चक्कर में खुदे खुश हो गए, सुख गए। न तालीम है, न नौकरी है, न क्यादत है, न सियासत है, मेरे दोस्तों सब कुछ हमने खत्म कर दिया। आइए बात लंबी नहीं करूंगा, आने वाले इस नगर पालिका के चुनाव में आज उत्तर प्रदेश में मैं घूम कह रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक, आज माननीय मनोहर काशीराम साहब के सपने को बहन कुमारी मायती जी ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज और दलित समाज और अन्य पिछड़े समाज को टिकट देकर के एक नारा दिया है कि हम दोनों भाई भाई हैं, आइए मिल जाए, सत्ता ले लो। इसलिए मेरे दोस्तों आज पूरे जिले के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देने का जो काम किया बड़ा ठोक ठाक के टिकट दिया। हमने मऊ में अरशद जमाल को टिकट दिया, चूंकि समाजवादी पार्टी क्यादत खत्म कर रही है, हमारी क्यादत को खत्म कर रही है, इसको समझना पड़ेगा। अभी मैं टांडा गया था, टांडा में 1,20,000 मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, 10,000 कुर्मी। अखिलेश ने कहा मुस्लिम है, कुर्मी को टिकट दिया। मुसलमानों की वहां मजबूरी थी कि उस कुर्मी को जिता के भेजा, क्यों कि सरकार बदलना। जहां जहां हम मजबूत है समाजवादी पार्टी ने हमारी क्यादत को खत्म किया, हमारी क्यादत को हटाया। इसलिए दोस्तों आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी का दिन है। आज उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और दलित और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन बना है बड़े पैमाने पे, मेरे दोस्तों जब 13 तारीख को काउंटिंग होगी तो ईवीएम मशीन से नहीं, इस बार बैलेट पेपर से हाथी कूदता हुआ निकलेगा और सारे साथी हमारे जीतेंगे। इसलिए दोस्तों बात लंबी होगी, हमारे साथी बैठे हैं बोलेंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि हम इस मऊ जनपद में यहाँ बलीपुर भीरा की जो सीट है इससे अली को हमने हमारी पार्टी में बहन कुमारी मायती जी ने टिकट दिया है। आपसे मैं अपील करने आया हूँ कि वोट को तकसीम मत होने दो। पिछले बार आप मुत्तहिद रहे, अली चुनाव जीते, फिर मुत्तहिद हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी को रोको, समाजवादी पार्टी को रोको और एक एक और छाती वाली बटन दबा करके आने वाली 11 तारीख को देकर के अली को चेयरमैन बनाइए। समझ लीजिए आप शालिबन शाली को आपने मजबूत कर लिया, चुनाव जीत गए। यही अपील करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा खुदा।